विदिशा जिले के गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र तेवदा तहसील के खेरोदा ग्राम में मंगलवार को सुबह कच्चे कुएं पर काम कर रहे 45 वर्षीय किसान राजाराम कुर्मी की कुएं की मिट्टी धंसने से मौत हो गई। 6 घंटे चले रेस्क्यू टीम ने राजाराम कुर्मी का मृत शरीर निकाला। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को खबर मिली, उन्होंने 9 बजे ग्राम खेरोदा पहुंचकर मृतक को बाहर निकालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। इस मौके पर SDM रोशन राय, SDOP भारत भूषण शर्मा, तहसीलदार दिलीप जरिया मौके पर पहुंची। वहां बने कुएं का पानी खाली कराने का काम शुरू कराया। विदिशा से होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट NK हनोतिया और कंपनी कमांडर शशिधर पल्लई 10 जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू दल ने JCB की मदद से सबको बड़ी मशक्कत के बाद 6 घंटे बाद बाहर निकाला। किसान राजाराम कुर्मी 3 बच्चों के पिता थे। विदिशा तेवदा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।